मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों बीजक में साखी प्रकरण में तदुर की एक बड़ी प्रसिद्ध साखी है अनेक बार इस पर आप लोगों ने संतों गुरुजनों के विचार श्रवण किए होंगे हम उथी साखी पर फिर से अपने विचार रखते हैं ज्ञान की बातें कभी पुरानी नहीं होती है और ज्ञान की बातों को बार बार मनन चिंतन स्मरण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि हर समय हमारे मन में कूड़े कचरे आने की संभावना रहती ही है और कूड़े कचरे आते रहते हैं रोज सुबह उठकर शरीर की सफाई की जाती है घर आंगन की सफाई की जाती है किंतु कभी अपने हृदय रूपी आंगन की सफाई करने की बात हम सोच नहीं पाते हैं और घर की गंदगी उतनी दुखदाई नहीं होती जितनी दुखदाई होती है भीतर मन की गंदगी घर की गंदगी बीमारी फैलाती है उससे कई गुना बीमारी फैलाती है मन की गंदगी और मन की गंदगी दूर करने के लिए एक ही साधन है संतों गुरुजनों की वाणियों का बार बार मनन चिंतन करते रहना संतों गुरुजनों की वाणिया हमारे भीतर की गंदगी को ही दूर नहीं करती किंतु हमें जगाने का काम करती है हमारे जीवन में जागरूकता लाती है सावधान हमें करती है अभी सुन रहे थे भजन में जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना हर चीज की गारंटी दी जा सकती है जीवन की गारंटी नहीं दी जा सकती बड़ा सा बड़ा ज्योतिषी बड़ा सा बड़ा तांत्रिक बड़ा सा बड़ा डॉक्टर और बड़ा सा बड़ा साधु बाबा महात्मा किसी के जीवन की गारंटी नहीं दे सकता कि आदमी इतने दिन तक ही जीवित रहेगा इसकी गारंटी दी ही नहीं जा सकती कभी शरीर का अंत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता किंतु यह देखते हुए जानते हुए भी हम सदैव असावधानी में जीवन व्यतीत करते हैं रोज देखते हैं देखते नहीं तो सुनते हैं कि आज अमुक का शरीर ने चला गया आज अमुक का शरीर चला गया आज अमुक दुनिया से अमुक आदमी चला गया वो चला गया वो चला गया ऐसे ही मुझे भी जाना है इस सोचने के लिए मन तैयार नहीं होता ऐसा नहीं है दुनिया से जाने की बात सोच लें तो हमें जल्दी जाना होगा एक अवधि प्रारब्ध है भाग्य तक दीर्घ कुछ भी कहो विधाता का लेख कहो जब तक मौत नहीं आएगी समय पूरा नहीं होगा तब तक मृत्यु नहीं आ सकती है और जिस दिन समय पूरा हो जाएगा दुनिया के सारे डॉक्टर और सारे इंजीनियर और बड़े बड़े सुरवीर खड़े रह जाएंगे कोई रक्षा नहीं कर पाएगा लेकिन वो दिन कब आएगा सर्वथा अज्ञात है आए गजर सबके जीवन में आए हमारे जीवन में भी आया जाने के पहले सावधानी की आवश्यकता है जीवन को हम इतनी सावधानी से जिए और इतनी सावधानी से काम करें कि मृत्यु का दिन जब आए मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाए तो मन में कोई पश्चाताप ना हो ऐसा लगे कि मानव जीवन पाकर जो मुझ करना चाहिए था वो मैंने कर लिया पूर्ण संतोष हो मन में निर्भयता हो हंसते हंसते मौत के स्वागत की तैयारी हो यदि अंतिम समय में पश्चाताप हुआ दुख हुआ है रोना आ रहा है इसका मतलब है जीवन को जैसा जीना चाहिए था वैसा नहीं जिया गया इस जिंदगी पुनः मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं, ये जिंदगी आज की जिंदगी तो नहीं मिलेगी पक्की बात है हर चीज दोबारा मिल सकती है हर चीज किंतु बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता और ये जीवन दोबारा नहीं मिल सकता जो चीज दोबारा मिल सकती है हम बड़ी सावधानी से उन चीजों का प्रयोग करते हैं हिफाजत से उन्हें रखते हैं और जो जीवन दोबारा नहीं मिल सकता उसके लिए कोई हिफाजत नहीं है कोई हिफाजत नहीं बेहोशी में जीवन जीते हैं मैं कह रहा था कि सदर कबीर की एक साखी पर हम विचार करेंगे आपा तजे हरि भजे नक्श तजे विकार सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार अहंकार का त्याग करे हरि का भजन करे शिखा तक एड़ी से चोटी तक जीवन के जितने भी विकार हैं उन सब का त्याग कर दे मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र से निर्वैर रहे और साधु मत शील स्वभाव त्याग भाव धारण करे तब जीवन का सार मिलेगा जीवन का सार क्या है अभी मैंने जो कहा मौत सामने आ जाए और हमसे कहे तुम्हारा समय पूरा हो गया है मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं चलो मेरे साथ मौत की इस बात को सुनकर यदि हमारे भीतर से आवाज आती है अच्छा तुम आ गई मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी मैं तैयार हूँ चलो यदि ऐसा भाव अंदर उड़ता है समझ लेना जीवन का सार मिल गया है और रोने लग गए दुखी हो गए तब तो फिर कुछ भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा बाहर जो है जीवन का सार हर समय मन का शांत संतुष्ट प्रसन्न रहना चीजें बढ़ती जाती है प्रसन्नता घटती जाती है चीजें बढ़ती जाती है शांति घटती जाती है चीजें बढ़ती जाती है सुख घटता जाता है चीजों के बढ़ने से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा भ्रम है चीजों के बढ़ने से सुविधा मिल जाएगी बस महंगी चीजें खरीद सकते हैं लेकिन चीजों से सुख बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है चीजों के बढ़ जाने से आपस का प्रेम भी बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है चीजें थोड़ी ही हो आपस में प्रेम हो तो थोड़ी चीजों में आदमी बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर सकता है चीजें थोड़ी ही हो अच्छे विचार मन में है तो प्रसन्नता से जीवन जी सकता है आदमी चीजों की आवश्यकता है लेकिन चीजों का बटोरना जीवन का लक्ष्य नहीं है तो जीवन का सार हर समय मन का भरा भरा रहना कमी का अनुभव ना होने पाए ये नहीं मिला वो नहीं मिला वो नहीं मिला वो नहीं मिला कमी का अनुभव ना हो कभी आपने सोचा है कि मुझे कितना क्या मिला है जो चीजें नहीं मिली है उनके लिए शिकायत है मन में कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास ये नहीं है मेरे पास ये नहीं है मकान भी है तो छोटा है जमीन है तो थोड़ी है पैसे हैं तो थोड़े हैं लेकिन जो चीजें मिली है उसके बारे में सोचा दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास जितना आपके पास है उसका आधा भी नहीं है यहां जितने भी लोग बैठे हैं सर्वे कर ले इसी मगल लोड मुंडी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इसी इसी गांव में कि जितना आपके पास है ना उसका चौथाई भी नहीं है और वो आराम से जी रहे हैं और आप शिकायत कर रहे हो मेरे पास ये नहीं है मेरे पास इतना नहीं, इतना नहीं है इतना नहीं है ये शिकायत हमारे अज्ञान नासमझी की पहचान है पहले ये सोच लो थोड़ा हमें सुंदर शरीर मिला है आंखें बराबर काम कर रही हैं हाथ पर बराबर काम कर रहे हैं मस्तिष्क बराबर काम कर रहा है कि आपने देखा नहीं है कितने लोग जन्म से अंधे हैं वे सोचते हैं कि थोड़ी सी तो रोशनी आ जाए मेरे आंखों में फिर मैं बताता जीवन कैसे जिया जाएंगे कितने ऐसे लोग हैं जन्म से लंगड़े और लूले हैं गुंगे और बहरे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो पागल हैं हम तो ऐसे नहीं कितना सौभाग्यशाली है कभी आपने सोचा इसके लिए बेहोसीम हम जीवन जी रहे हैं ना यदि किसी आदमी को स्वस्थ शरीर मिला है आंख नाक कान शरीर सा, की सारी इंद्रियां बराबर काम कर रही है तो महासौभाग्यशाली है इस सौभाग्य को आदमी दुर्भाग्य बना लेता गलत देखकर गलत सुनकर गलत बोलकर गलत खाकर गलत काम करके गलत जगह जाकर और शिकायत क्या करते हैं भगवान हमारी तकदीर को खराब कर दिया जब तक जो मिला है उसमें संतोष का भाव नहीं होगा सुखी जीवन नहीं जी सकते संतोष का अर्थ निकम्मा और आलसी बनना नहीं है निकम्मा और आलसी आदमी संतुष्ट नहीं होता भीतर तो तमाम ख्वाहिशें भरी होती हैं उनकी प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम भरपूर परिश्रम और परिश्रम से जो मिल जाए उसमें संतोष उसे कम ना समझना जो दूसरे के पास हो उन चीजों के लिए न ललचाना ललचाने वाला आदमी सदैव दरिद्र होता है दरिद्र वह नहीं है जिसके पास थोड़ी चीजें हैं छोटे मकान है थोड़ी जमीन है थोड़े रुपये पैसे हैं दरिद्र वह नहीं है दरिद्र वह है जिसके मन में सदैव असंतोष रहता है और जो दूसरे की चीजों को देख देख करके ललचाता रहता है भागवत पुराण में भी यह बात कही गई है दरिद्र यश संतुष्ट कृपनो यो अजितेंद्रिय गुणेश शक्त धीरे सो गुण संगो विपर्य भागवतकार से पूछा गया दरिद्र कौन तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो फटा कपड़ा पहना हो वो दरिद्र है जो एक टाइम सूखा भोजन खाता है वो दरिद्र है सड़क पर सोता है वो दरिद्र है भागवतकार कहते हैं दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है जिसके मन में हमेशा लोभ 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 और मिले और मिले और मिले ये भाव बना रहता है वो दरिद्र है और यह दरिद्रता चीजों से दूर नहीं है बाहर की दरिद्रता चीजों के मिलने से दूर हो सकती है किंतु अंदर की दरिद्रता चीजों से पैसे से नहीं होती मानस आप लोग बहुत पढ़ते हैं मानस में गोस्वामी जी ने कहा है नहीं दरिद्र सम दुख जग मही दुनिया में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है बाहर की दरिद्रता क्या है भरपूर मेहनत करने के बाद भी भरपूर मेहनत करने के बाद भी यदि चौबीस घंटे में भरपेट एक टाइम भी भोजन न मिले तो ये दृद्रता है दिन भर में दो बार तीन बार खा रहे हो पहनने के कपड़े हैं रहने के जगह चाहे झोपड़ी ही है तो दर्दता नहीं है तो गोस्वामी जी ये तो कहते हैं कि नहीं दर्द जग दुख माहे कि संसार में दर्दता समान कोई दुख नहीं लेकिन गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा पैसा मिलन सं सुख का छोनाही या धन मिलन सम सुख कुछ नहीं संपत्ति मिलन सम कुछ नहीं उन्होंने नहीं कहा मंत्री बनन सम सुख समुना ऐसा उन्होंने नहीं कहा क्या कहा संत मिलन सम सुख समझ नहीं संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है और संत क्या देते हैं आपको पैसा तो नहीं देते पैसा तो आप लोग देते हैं संत को भोजन भी देते भोजन आप लोग ही देते हैं संत को जहाँ भंडारा में आप खाए होंगे वो भी आप लोगों को दिया हुआ है वो क्या देते हैं जीवन का ज्ञान देते हैं जीवन जीने का ज्ञान देते हैं जो जिस कारण से जीवन खड़ा हुआ है उस आत्मा का ज्ञान देते हैं कल्याण का ज्ञान देते हैं और कहना ये चाहिए शरीर मिला है परिवार मिला है मकान मिला है रुपये पैसे आदि मिले हैं इन सब का कैसे सुंदर उपयोग करना है और उपयोग करते हुए कैसे आत्मकल्याण के तरफ बढ़ना है इसका ज्ञान देते हैं इसलिए संत गोस्वामी जी कहते हैं कि संत मिलन शाम सुख मैं ये कह रहा था असंतोष दुख का कारण है और असंतोष का अर्थ चीजों का कम होना नहीं है ललचाते रहना है जो आदमी दूसरे की चीजों को देख देखकर ललचाता रहता है वो दुनिया भर का मालिक भी बन जाएगा ना तो सुखी नहीं हो सकता है वह ललचाने का मतलब होता है अपने को छोटा बना देना जब हम ललचाते किसी चीज को देख कर ललचाते हैं तो चीज बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं और जिस आदमी ने स्वयं अपने छोटा बना लिया वो सुखी कैसे हो सकता है तो जीवन का सार क्या है हर समय मन का संतुष्ट रहना कमी का अनुभव ना होना, होना प्रसन्न रहना शांत रहना ये बाहर से नहीं होगा ये कोई हमें देगा नहीं चीज़ें लोग हमें दे सकते हैं संतोष कैसे देगा कोई हमारे लिए कोई भोजन पका सकता है अन्य कोई काम कर सकता है प्रसन्नता कैसे दे सकता है देखो मेरे पास प्रसन्नता बहुत ज्यादा है थोड़े तुम ले लो ऐसा तो नहीं कर सकता कोई और प्रसन्नता अच्छी समझ से आती है और अच्छे व्यवहार से आ, अच्छे कर्म से आती है सबसे पहले हमें अपनी समझ को सही करने की आवश्यकता है समझ सही होगी तो जीवन के सारे कर्म सही होंगे खान पान आदि सही होंगे समझ ही गलत है इसलिए आदमी गलत खाता है गलत सुनता सब कुछ गलत हो जाता है आदमी जानता है किसी आदमी को कहो भाई तुमने ये गाड़ी खरीदी आप एक बाइक खरीदते हो से हजार एक लाख दो लाख एक बाइक खरीदते हो आपने एक कार खरीद लिया पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख का एक 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 कार खरीद लिया कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई एक कार है ये कार इतनी महंगी तो है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है हम पानी डालकर मिट्टी तेल डालकर अपनी कार चला लेंगे जानते हैं कि यदि कार में मिट्टी का तेल डाल दिए तो कार चलेगी नहीं पानी डाले तो, तो कार चलेगी ही नहीं सभी जानते हैं अगर और देखो चीज नहीं डालते दुनिया में सबसे मूल्यवान सबसे मूल्यवान यदि कोई है इससे मूल्यवान कुछ नहीं है वह है हमारा ये जीवन हमारा ये शरीर इसके बराबर मूल्यवान कोई नहीं है इतने मूल्यवान शरीर में गुटका कहे डाल रहे हो तंबाकू काहे डाल रहे हो बीड़ी सिगरेट काहे डाल रहे हो जानते हैं कि कार में मिट्टी तेल डाल देंगे तो पांच लाख नहीं चलेगा तो इतने मूल्यवान तो पांच लाख खरीदा आपने खरीदा पांच पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख में हजारों कार से मूल्य अधिक मूल्यवान शरीर है हमारा गुटखा डाल रहे हो एक चुटकुला याद आ गया गुटखा के संबंध में एक आदमी तपस्या कर रहा था तपस्या खुद हो गई तपस्या पूरी होगी भगवान खुश हो गया भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हो गया हूं तुम्हें अमृता लो ये अमृत लाया हूं तुम्हारे लिए तो अमृत पी लो वो आदमी कहा था भगवान अभी भी गुटका खाए गुटका महंगा हो कैसे थूके इसको मतलब अमृत है दादी बोला गुटका है चाहे बैंक का हो चाहे चुट, चाहे चुटकुला का हो आप मंदिर जाते हो कोई पागल होगा उसकी बात मैं नहीं करता मंदिर जाते हो शराब पीकर मंदिर नहीं जाते हैं नशे की हालत में आप मंदिर नहीं जाते हैं जिसे आप मंदिर कहते हो जहां किसी की मूर्ति रखी हुई है उस मंदिर में आप शराब पीकर नशे के हालत में नहीं जाते हैं, लेकिन आपका घर जहां आपके आपको जन्म देने वाले माता पिता भगवान बैठे वहां शराब पीकर क्यों आते उससे बड़ा मंदिर है आपका घर जिस मंदिर को आपने बनाया लोगों ने बनाया एक किसी की पत्थर की मूर्ति रख दिया है हम कहते भगवान बैठा है वहां नशा नशा करके नहीं जाना है लेकिन आपको जन्म देने वाले पालने पोसने वाले साक्षात भगवान माता पिता बैठे हैं या घर में पत्नी आदि बैठे वहां वहां नशे खालत में क्यों आते हो वहां और वहां बैठकर नशा क्यों करते हो क्यों समझ गलत है पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज्यादा है बुद्धि का अहंकार बहुत ज्यादा है बुद्धि का अहंकार होना अलग है और समझ होना अलग है समझ से ही जब होगी तब जीवन को सही ढंग से जी सकेंगे और तब हर समय मन में प्रसन्नता रहेगी शांति रहेगी संतोष रहेगा तो हर समय मन का भरा भरा रहना तृप्त रहना इस जीवन का सार है और मैंने कहा बीच में मौत आ जाए हमेशा तैयारी में जैसे हम कहीं जाते हैं यात्रा में स्टेशन पर पहुंच गए ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं सिग्नल हुआ अनाउंसमेंट हुआ कि गाड़ी आने वाली है सामान रख करके हाथों में लेकर कंधे में लेकर तैयार हो जाते हैं जैसे ही गाड़ी आए डिब्बा पर बैठ जाए इतनी ही प्रतीक्षा इतनी उत्सुकता से मौत की प्रतीक्षा करना होगा और कौन करेगा जितने जीवन को सही ढंग से जिया होगा दुखदाई नहीं है मां और जो तो जीवन को सही ढंग से नहीं जी सका न बाहर से जिया जी, न परिवार में सही जिया न तो भजन भक्ति का काम किया वही पछताता करेगा वही रोएगा दुखी होगा क्योंकि उसे जीवन का सार नहीं मिल पाया है ये जीवन का सार कैसे मिलेगा इसके लिए पांच बातें सदर कबीर इसमें बताते हैं हमें पहली बात है आपा आपा का त्याग अहंकार का त्याग किसका अहंकार क्या लेकर के आए थे क्या लेकर पैदा हुए कुछ लेकर के पैदा हुए होते साथ में कुछ लाए होते तब तो अहंकार करते कि ये चीज मेरी है कुछ तो लाए नहीं कि यही यही मिले जन्म लिए बड़े होते गए चीजें मिलती चली गई और अंत में ही छूट जाएगी कुछ लेकर के जाते साथ में तो वह अहंकार करते किसका अहंकार क्या है अहंकार करने लगा कुछ भी तो नहीं है कबीर साहब का पद है बानी छोड़ दे अभिमानी यह अहंकार पूर्वक बात करना छोड़ दो जे भैया के गर्व करत रहे सोई भय दुर्धानी रावण को बड़ा अहंकार था किसका अपने भैया कुंभकरण का भैया मतलब बेटे दोनों का कुंभकरण मेरे कुंभकरण जैसा भाई है मेघनाथ जैसा बेटा है मुझे कौन हरा सकता है वो अगवानी करने चले गए पहले से जे लंका के गर्व करत रहे सोई भय दुर्धानी रावण को जिस लंका का अहंकार था कि मेरी लंका समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई है यहाँ किसका आक्रमण होता कौन आक्रमण करेगा यहाँ कौन आएगा आक्रमण करने के लिए वो धुरधानी होगी परी लंका नष्ट होगी कहा तो ये भी जाता है कि राम के जाने के पहले हनुमान गए थे लंका में और पूरी लंका को हनुमान जी जला जला दिए थे हम ये पढ़ते हैं इसका मतलब यह है कि हनुमान जा करके लंका के लोगों में के मन में एक आशंका उसका अहंकार जो था बल का घमंड था उस घमंड को एक हनुमान ने अकेले नहीं तोड़ दिया था लंका जले अरे लंका कहते हैं लंका सोने के बनी थी सोना आग में जलेगा नहीं जब बल्कि सोना आग में जल करके और खरा हो जाएगा चमक जाएगा जलेगी कैसे सोना सोना आग में जरा जल जला कर देखना सोना को आग में जलेगा नहीं सोना अब सोने की लंका बनी थी तो हनुमान जी आग में जलाए कैसे उसको थोड़ा विचारना मेरा मतलब यहां कहने के भाव इतना है जेल लंका के गर्व रहे सोई भय धुरधानी रामन को अपनी लंका का अहंकार था तहसनाथ हो गया हमारे पास क्या है न रावण जैसा बल है न रावण जैसी लंका है न रावण जैसी बुद्धि है कुछ भी तो नहीं है फिर किसका अहंकार इसलिए सारा अहंकार छोड़ करके विनम्र विनम्रता ही कल्याण का पथ है विनम्रता ही उन्नति का पथ है जो कोई भी आगे बढ़ा है किसी से तो कुछ सीखा है अब पाया है तो अहंकार छोड़कर विनम्र होने से अहंकार तो पतन का ही कारण बनता है साहब कहते हैं आपद सारे अहंकार का त्याग कर दो क्योंकि अहंकार आएगा तो आपदा आएगी दुर्धन अहंकार किया बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा परिणाम क्या हुआ दुर्धन बड़े बुद्धिमान थे ऐसे नहीं थे प्रजा का पालन भी बहुत बढ़िया करते थे महाभारत के अनुसार लेकिन समझ में कमी थी और अहंकार ज्यादा था दुर्धन की बात आई समझ की कमी की तो वो उदाहरण अक्सर महात्मा दिया करते हैं महाभारत की लड़ाई चल रही थी कई दिन बीत गए थे शाम के समय लड़ाई बंद हुई दुर्धन लौट करके अपनी निवास में आए खाए पिए सोने का समय हुआ तो दुर्धन की महारानी भानुमती ने दुर्धन से कहा पति देव लड़ाई जैसी चल रही है कई दिन बीत गए क्या आपको लगता है कि आपकी विजय हो जाएगी पांडवों को उनका हिस्सा दे क्यों नहीं देते तो दुर्धन ने कहा जीत किसकी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता मेरी होगी पांडवों की होगी लेकिन जब तक अंतिम परिणाम नहीं हो आएगा तब तक पांडवों को मैं कुछ दे ही नहीं सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अंतिम में पता चलेगा लेकिन भानुमती मैं तुम्हें एक बात पहले से बता देता हूं देखिए वहां पर भानुमति और दुर्धन भानुमति पति है दुर्धन पति है और भानुमति पत्नी है पति पत्नी में बात हो रही है वहां राजा की बात नहीं है दुर्धन अपनी पत्नी अपनी रानी भानुमती से कहते मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं पहले से क्या तुम विधवा होने की तैयारी कर ले रहना कितनी बढ़िया बात बता रहे थे है ना इस समझ रहा एक पति अपनी पत्नी को कह रहा है कि तुम विधवा होने की तैयारी कर लो दुर्धन बुद्धिमान तो बहुत थे समझ में कमी थी और समझ में जब कमी होती है तभी अहंकार होता है समझ सही होगी तो अहंकार नहीं होगा किसी को भी नहीं होगा साहब कहते हैं अहंकार का त्याग करो हरि का भजन करो जब विनम्रता अहंकार का त्याग होता है विनम्रता आती है सरलता जीवन में आ जाती है एक भूमिका तैयार होती है तब हरि का भजन होता है अब किस हरि का भजन करें हरि के भी अनेक अर्थ होते हैं भजन के भी अनेक अर्थ होते हैं भजन का मुख्य अर्थ क्या मुख्य दो अर्थ हैं भजन के भजन का पहला अर्थ होता है सेवा फिर उसके पश्चात भजन का मुख्य दूसरा अर्थ होता है स्मरण करना चिंतन करना भजन का अर्थ ग्रहण करना भी होता है और भजन का अर्थ त्याग करना भी होता है दोनों अर्थ होते हैं ग्रहण करना भी भजन है और त्याग करना भी भजन बहुत सारे अर्थ हैं भजन के लेकिन मुख्य दो अर्थ पहला अर्थ सेवा दूसरा अर्थ स्मरण चिंतन याद तो हरि भजन हरि की सेवा करो अब हरि की सेवा कैसे हम करें सेवा तो जो सामने होगी उसकी करेंगे और सेवा का आवश्यकता किसको होगी जो जानदार है सजीव है उसको सेवा काम आवश्यकता होगी जो निर्जीव है जिसमें जान नहीं उसकी सेवा का आवश्यकता क्या होगी उसकी याद क्या करेंगे हम तो हरि का अर्थ है गुरु की सेवा हरि का अर्थ हो गुरु होता है हरि मतलब हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला हरति तिहरी जो हरण करे दूर कर दे वो हरि है गुरु ज्ञान देकर हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं हरण कर लेते हैं इसलिए गुरु को हरि कहा जाता है और हरि का अर्थ परमात्मा भी होता है आत्मा भी होता है तो हरि भजन के दो अर्थ हैं गुरु की सेवा क्यों ज्ञान पाने के लिए जीवन जीने का रास्ता जानने के लिए और फिर दूसरा अर्थ आत्मचिंतन करना अपने स्वरूप की याद करना भगवान की याद करना भी लोग कहते हैं तो भगवान को हमने देखा नहीं है कभी भगवान के बारे में हम सुना भर है या पढ़ा है शास्त्रों में जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं उसकी याद नहीं होती कल्पना होती है याद किसकी होती है जिसे हमने एक बार देख लिया है सामने प्रत्यक्ष बाद में उसकी याद होती है अभी आप लोग यहाँ आए हो जब तक यहाँ नहीं आए थे इस भैस आश्रम में कभी नहीं आए थे इसके बाद सुने रहोगे तो आपकी एक कल्पना होगी कि आश्रम इतना बड़ा होगा कि ऐसा होगा अब देख लिए तब अब इसकी याद कर सकते हो ऐसे हर चीज़ के लिए होते हैं तो भगवान का सिमिरन करो भगवान सिमिरन हम कहते हैं हमने भगवान को देखा नहीं सुना है पढ़ा है लेकिन आत्मा तो हम स्वयं ही है ना इसलिए आत्मचिंतन करना हरि हरिभजन का आत्मचिंतन ही परमात्म चिंतन है उपनिषदों के अनुसार से उपनिषदों को पढ़ेंगे आप जो चार वे छह शास्त्र कहते हैं छहों शास्त्रों में आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है शास्त्रों के शास्त्रों के शा, अनुसार शा, से अलग से परमात्मा चिंतन की बात नहीं है चिंतन की ही बात है आत्मसिद्धि की बात है आत्म मिलन आत्म साक्षात्कार की बात है मुख्य और और जो उपनिषद हैं वो तो ये बताती ही है तो अहंकार का त्याग करके गुरु की सेवा करो और गुरु आत्मा का ज्ञान देते हैं इसलिए आत्मा का चिंतन करो ये गुरु की सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है प्रसन्नता आती है अहंकार गलता है और आत्म चिंतन करने से आत्म अपने आत्मा की याद करने से निर्भयता आती है कि मेरा कुछ छूटे जो मेरा है वो छूटेगा नहीं क्योंकि सब चीज छूटेगी आत्मा तो छूटने वाला नहीं है अब उसे का सोते परमात्मा नहीं छूटेगा आत्मा परमात्मा अलग अलग तो है नहीं गीता में भी जो कहा गया है ईश्वर स्वर हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर तो सभी प्राणी हृदय में बैठा हुआ है तो हृदय में तो एक ही अनुभव होता है ना आत्मा का दो तो है नहीं यहाँ पर और गीता में ही कहा गया है उपद्रष्टानुमता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे की चाप तो युक्त देह पुरुषा परा जो सबको देखने वाला है सबको प्रेरणा देने वाला है सबका भरण पोषण करने वाला है कर्मों का फलभोग निभाने वाला है और जिसे परमात्मा कहा जाता है साथ साथ जो महान ईश्वर है वो कौन इस शरीर में रहने वाला गीता का लोग देखे साहब गीता देह अश्विन की बात आती है देह में मतलब इस शरीर में रहने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष है आत्मा है वही परमात्मा है कबीर साहब तो कहते ही हैं तो भजे गुरु की सेवा और आत्मचिंतन करें तब जीवन का सार मिलेगा लेकिन गुरु की सेवा करने का और आत्मचिंतन करने का व्यवहारिक अर्थ क्या होगा कैसे जाने के आदमी गुरु का चिंतन गुरु की सेवा कर रहा है और आत्मचिंतन कर रहा है आत्मभजन कर रहा है उसके लिए सदगुरु कहते हैं नक्सिक तय विकार जीवन में जितने भी विकार हैं दोष हैं उन सब का त्याग करना भक्ति भी कर रहे हैं राम की भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं बुद्ध महावीर की भक्ति कर रहे हैं कबीर की भक्ति कर रहे हैं और जीवन में तमाम दो दुर्गुण भरे हुए हैं तो भक्ति नहीं हुई किसी की भी भक्ति करो भक्ति का अर्थ होता है धीरे धीरे हमारे जो दोष दुर्गुण दुराचरण हैं इनका त्याग होते जाना मन की निर्मलता अब मन निर्मल नहीं हुआ तो भक्ति हम कहा कर रहे हैं कोई भी नाम जपना चाहे राम नाम जपो चाहे ओम नाम जपो चाहे अल्लाह नाम जपो चाहे सतनाम जपो या कबीर नाम जपो ये एक मन बहलाने का साधन है इससे हम बार कोई जब नाम जपते हैं उसे मन में सात्विक भावना आती है एकाग्रता आती संस्कार अच्छे बनते हैं लेकिन इतने में रुक गए तो काम नहीं बनेगा दो, राम उपासक हैं वो लोग राम का नाम जपते हैं कृष्ण उपासक है कृष्ण का नाम जपते हैं शिव उपासक है ओम नमः शिवाय नाम जब, मतलब जपते हैं कबीर लोग उपासक हैं कबीर का नाम जपते हैं सतनाम जपते हैं सब बराबर हैं छो, कोई छोटा बड़ा नहीं है सबका फल है तजे विकार जीवन से सारे विकारों का प्रत्याग कर देना मतलब निर्विकार भाव निर्मलता निर्दोष जीवन निर्दोष जीवन ही सुखी जीवन होता है एक भी दोष जीवन में है तो धीरे धीरे हमारे भीतर का जो सुख है वो घटता चला जाएगा और दुख बढ़ता चला जाएगा एक गलती बहुत सारी गलतियों को बुला लेती है इसलिए प्रयास हम ये करें कि जो पहले मोटे मोटे जो दोष हैं नशा दुर्व्यसन का त्याग अंडा मांस मछली का त्याग और जो अन्य गलत खान पान है इनका छोड़ें, फिर अन्य और जो है दोस्त दुर्गन उनका छोड़ते जाए छोड़ते 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 ऐसा समय आ जाएगा कि जब सारे दोस्त दुर्गन छूट जाएंगे उदाहरण महात्मा लोग दिया करते हैं जैसे एक अनगर पत्थर होता है उस पत्थर की कोई बड़ी खास कीमत नहीं होती कई बार तो ऐसा होगा कोई आदमी कहा भैया ये पत, बड़ा सा पत्थर है मेरे दरवाजे पर इसे तुम ले जाओ मुफ्त में ले जाओ कहे हम क्या करें इतने ले जाने में बहुत खर्चा आ जाएगा लेकिन उसी पत्थर को एक कारीगर मूर्ति बनाने वाला जब तरास्ता जाता है तरास्ता गया तरास्ता गया तरास्ता गया और तरास्ते तरा पूरा तराश लिया तो पत्थर मूर्ति बन गया अब वो पत्थर नहीं रह गया अब वो मूर्ति बन गया जिस पत्थर को मुफ्त में भी लेने तैयार नहीं थे अब उसी मूर्ति बनाने से उसी को हम हजारों लाखों कीमत देते हैं लेकिन वो पत्थर अब मूर्ति भी नहीं रह गया मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हो गई तो वो भगवान बन गया कैसे बना वो तराशने से उसी को उठाकर आप मंदिर में रख देते तो पूजा थोड़ी होती तराशा गया उसको ऐसे अपने जीवन को तराशना है और जीवन तराशने का अर्थ क्या है धीरे धीरे से ही यतिया क्षेण दो शाह कहा गया यतिया पूर्वक धीरे धीरे क्षीण दोषा क्षीण दोष होते चले जाना है निर्दोष होते चले जाना यह भक्ति करने का फल होता है फिर किसी की भक्ति करें आप कबीर की भक्ति करते हैं राम की भक्ति करते हैं श्री उपासना श्री गणेश हनुमान की भक्ति करते हैं ओ, ओ मर्जी आपकी ये ये कहना कि अमुक की भक्ति करो पक्षपात वाली बात है सबका स्वभाव अलग अलग विचार अलग अलग जिसकी जो मर्जी होती है उसकी भक्ति करते हैं लेकिन फल क्या होना चाहिए जीवन सुधार निर्दोष जीवन जब तक निर्दोषता नहीं आएगी तब तक मन में संतोष नहीं होगा शांति नहीं होगी प्रसन्नता नहीं होगी जीवन का लाभ नहीं मिलने वाला है आगे साहब कहते हैं सब जीवन से निर्वैर रहे मेरे मन में कोई दोष नहीं है कोई जी, मेरे जीवन में कोई विकार नहीं है इसकी पहचान क्या है प्राणी मात्र के प्रति निर्बैर भाव किसी के लिए भी द्वेष का बैर का भाव ना हो किसी के लिए ईर्षा का भाव ना हो किससे बैर करोगे भाई दो दृष्टि है कुछ लोग कहते हैं कि सब में भगवान बैठा हुआ है लोग भगवान मानते हैं कहते हैं कि सब में भगवान बैठा हुआ है कोई लोग भगवान नहीं मानते कहते सब में आत्मा बैठा हुआ है अरे शब्द है यदि सब में भगवान बैठा है तो किसी से बैर करने का मतलब होता है भगवान से बैर करना उपनिषद में कहा गया है ईशा वास्तमिदम सर्वम जगत्याम जगत संसार में जो कुछ भी है सब में भगवान इस ईश्वर बसा हुआ है तो इसका मतलब हुआ किसी भी आदमी से बैर करना ईश्वर से बैर करना है भगवान से बैर करना है ले किसी से भी बैर ना करें या फिर यदि कहें किसी आदमी से बैर करना अपने भाई से बैर करना ही आत्मा भूत पंडित कौन ज्ञानी कौन कहा गया आत्मबत् सर्वभूति पद्धति सब पंडिता जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है वह पंडित है वह ज्ञानी है तो फिर बैर किससे करोगे भाई सबसे बेहतर से सबसे निर्भय रहना है कि सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं मित्र नहीं बना सकते कोई बात नहीं है किंतु बैर न करें किसी से किसी से भी बैर करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है अपने सुख को अपनी शांति को नष्ट करना किसी से बैर करोगे जब जब याद आएगी मन में क्रोध आएगा क्रोध आएगा शांति घट जाएगी प्रसन्नता घट जाएगी मन में उद्वेग हो जाएगा नुकसान हमारा हो जाएगा इसलिए सबके साथ मित्रता का भाव सेवा हम किसी कुछ लोगों की कर सकते हैं किंतु तो सबके लिए प्रेम रख सकते हैं अच्छे विचार रख सकते हैं और तब साहब कहते हैं साधु मत साधु मत करते क्या है शील स्वभाव कोमल स्वभाव और त्याग भाव त्याग भाव से रहना त्याग भाव का मतलब घर छोड़ना त्याग मतलब घर छोड़ना नहीं त्याग करना नहीं है त्याग करने का मतलब है जो जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं उपयोग करते हुए भी उनमें आसक्ति का त्याग भोजन खाना है आसक्ति रहित होकर खाओ के चक्कर में ना खाओ कामना का जो त्याग करना जो अनासक्त तो साधु मत है निष्काम और अनासक्त तो हो जाना इस प्रकार जब अहंकार का त्याग होगा हरि का भजन होगा सारे दोषों का त्याग हो जाएगा सबके प्रति बैर भाव का त्याग होगा और मन में जब निष्कामता अनासक्ति आ जाएगी तब जीवन का सार मिलेगा तब जीवन कितने मिलेगा कहीं पता चलेगा और धीरे धीरे वो पूर्ण आत्म शांति आत्म तृप्त का अनुभव हो जाएगा जिसके लिए गीता में जो कहा गया है ये आत्म तृप्त मानव आत्मनिज संतुष्ट तत्व आत्मन विद्यते जो अपने आत्मा में रथ है आत्मलीन है आत्मसंतुष्ट है ये कब आएगा जब इन सद्गुणों का जीवन उपयोग करेंगे तब वो जीवन का सार होगा उसके लिए हम सबको अपनी अपनी श्रेणी शक्ति के अनुसार से काम करते रहना होगा समय पूरा हो गया है आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद अपनी वाणी को यहीं पर विराम